है हमको, कैसे मुश्किल नहीं बैठा है। अभी बात किए तो मेरे इतना बदतमीजी बात क्या बोला, इंटर काउंसिलिंग में जा, इंटर से बोलते यहाँ जाओ, वहाँ आपको अनाज के साथ से मिलना है, आपको किसी से नहीं मिलना, कोई से मिलना है। आपका परिचय? रितिका राज। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, बिहार, UP, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP, किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT नीट या क्लासिक से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउट नट ऐप पर या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डॉट नट पर। साथ ही डॉट नट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डॉट नट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉट नट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। अभी आप जिस महिला को सुने वो एक कॉमर्स कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा की बहन है। उनका साफ साफ कहना है कि अगर उनकी बहन एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं है, उनकी जैसे बहुत सारी ऐसी छात्राएं हैं जो एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन के कारण पढ़ाई हो नहीं पाई है, तो ऐसे में आप कैसे एग्ज़ाम समय पर ले सकते हैं? जब सब कुछ समय पर नहीं हुआ तो एग्ज़ाम समय पर कैसे हो सकता है? छात्रों की पढ़ाई समय पर नहीं हुई, आप एग्ज़ाम समय पर ले रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? छात्रों का भविष्य बर्बाद हो सकता है। उनका साफ साफ कहना है कि ऐसे में अगर उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है तो क्या आनंद किशोर इसकी जिम्मेवारी लेते हैं? तो यहाँ पर उनका काफ़ी गुस्से में वो दिखी और यहाँ पे बहुत सारी छात्राएं उनका सपोर्ट करती दिखी। हालांकि यहाँ पर छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा कम दिखी, सिर्फ और सिर्फ छात्राएं ही थीं। यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि जहाँ CBSE डेट बढ़ा रही है, तो आप बिहार बोर्ड के अधिकारी होकर डेट क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? यहाँ पर ये महिला जो है वो तो काफ़ी उग्र दिखी यहाँ पर। आइए एक बार और सुन लेते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा। उनका साफ साफ कहना है कि यहाँ पे कर्मचारियों ने बहुत ज़्यादा बदसलूकी भी की है, उन्हें किसी और से नहीं मिलना है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मिलना है तो वो आनंद किशोर से ही मिलना है, यानी कि उन्हें सिर्फ अपनी आवाज़ जो है वो आनंद किशोर के सामने रखनी है। ऐसी भी वो जिद पे अड़ी रही, लेकिन उनका कोई भी वहाँ पे सुनने वाला मौजूद नहीं था। आप लोग की क्या राय है? ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर ले। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, आप लोग भी सुन लीजिए उनका कहना कितना जायज़ है। कैसे उसको राइटर बैठवाना है हमको, कैसे मुश्किल नहीं बैठा है। अभी बात किए तो मेरे इतना बदतमीजी बात क्या बोला, इंटर काउंसिलिंग में जा, इंटर से बोलते यहाँ जाओ, वहाँ आपको अनाज के साथ से मिलना है, आपको किसी से नहीं मिलना, कोई से मिलना है। आपका परिचय? रितिका राज। मेरी सिस्टर है कॉलेज ऑफ कॉमर्स।